एडमिशन आई है तो मैं आपसे तभी शेयर करूंगी ना, क्योंकि मदनी साहब ने तो सबसे पहले सवाल पूछा है जी सबूत दिखाएं। जी बिल्कुल, आप ये देखें, देर इज ऑलवेज दिस पॉइंट, बिकॉज आप हमेशा किसी को बेनिफिट ऑफ द डाउट दे रहे होते हैं, आप हमेशा होप अगेंस्ट होप विश कर रहे होते हैं, ठीक है, कि मिरेकल्स हो जाएंगे, ओवरनाइट चीजें ठीक हो जाएंगी, शायद किसी को एहसास हो जाए कि यू नो ये मेरा बेटा है। अच्छा जी, डीएनए की रिपोर्ट भी लगाएं जरा। जी सॉरी, नहीं मैंने उनके एहसास के लिए तो नहीं की ना सर, ये मैंने तो अपने मीडिया के दोस्तों के लिए की है। मैंने तो अपने मीडिया, उनको ना सिर्फ मालूम, उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुकम्मल तौर पर सैबोटाज करने की कोशिश की है। उन्होंने सिटी 42 पे मेरी खबरें लगवाई हैं, जो कि उनके जिन्होंने लगवाई हैं उन्होंने एडमिट किया है कि हमने लगवाई है। देखिया तो सी ए खबर लगिया ने, नहीं 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 नहीं, आप मदनी साहब मैं आपको नहीं ब्लेम कर रही, मैं आपको नहीं ब्लेम कर रही, किसी ने ये शो मारी है कि मैंने लगवाई है, वो गलत होंगे, वो खाली शो मार रहे होंगे, मैं आपको थोड़ी ब्लेम कर रही हूँ, चैनल को थोड़ी ब्लेम कर रही हूँ। जी जी सॉरी जी, अच्छा जी सर, सैफुल्ला सिप्रा साहब, मैंने दो शादियां की, एक पहली शादी थी तारिक फवाद ख्वाजा से और दूसरी शादी यूसुफ बेग मिर्जा से। अच्छा एक सेकंड, वो उनका शहाब साहब का जो सवाल था, तो शहाब साहब एक इंसान जो है ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि ऐसा कुछ यू नो, अब ये नहीं है कि अच्छा सॉरी मैं बात कर रही थी, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की थी तो मैं आपको बात कर रही थी, उसके बाद उन्होंने बहुत से चैनल हेड्स को, मीडिया ग्रुप्स को, सबको कॉल्स गई हैं, मैं नहीं कह रही कि मिर्जा साहब की तरफ से डायरेक्टली गई हैं। नकवी साहब आप लोग तो जी जी मैं हाँ, वो बहुत देर से वेट कर रहे हैं जी। वो मेरा जो सवाल है कि आपके जो डॉक्यूमेंट के अंदर जितना भी ये आप कह रहे हैं टेक्स्ट मैसेजेस जो हैं उसमें काफी थ्रेटनिंग टेक्स्ट मैसेजेस, जी तो हालात क्या थे, क्या किस हालात में आप रह रही थी, किस तरह के थ्रेट्स आ रहे थे, जी क्या कोई आपके ऊपर कुछ हुआ है, कोई इस वजह से आप चुप रहे, कुछ इस तरह का? नहीं 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 नहीं, आई विल टेल यू, देखें आपने एक्चुअली देखे होंगे तीन सेट मैसेजेस के, एक है जो यूसुफ के मैसेजेस हैं मुझे, वेयर ही डेमोंस्ट्रेट्स द विलिंगनेस टू मेक आवर रिलेशनशिप पब्लिक एंड ही एक्सप्रेसेस हिज डिजायर टू हैव अ फैमिली विद मी, एक वो है। जो आपने जमीला मकसूद के और सीमा बेग मिर्जा के मैसेजेस देखे हैं वो हैं फरवरी और मार्च के, ठीक है, कोई ऐसे कोई हालात नहीं थे कि मुझे साथ कोई बॉडीगार्ड रखना पड़े या कोई इस किस्म की कोई सिचुएशन नहीं थी, बट ये मैसेजेस और ये कॉल्स और ये सब कुछ हो रहा है, ये अभी की बात कर रही हूँ, फरवरी मार्च की मदनी साहब, अभी 2012 की जब मैसेजेस आपको मिले। जी जी फरमाइए सर, बहुत शुक्रिया आपके आने का। जी मैं ठीक हूँ जी, अल्लाह का शुक्र। जी 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 जी, नहीं नहीं नॉट एट ऑल जी, पीटीवी की तरफ से मुझे कोई धमकी कोई कुछ नहीं, उनके ओहदेदारों का आपने सिर्फ देख लिया कि हिस्सा जो फखर हमीद साहब विटनेस बने हुए, नहीं नहीं आई वॉज नॉट एन एम्प्लॉय, हमारा जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है जी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, आप जी जी बिल्कुल, मैं नकवी साहब मैं आपको बार बार गुजारिश कर रही हूँ कि बच्चे का हक जो है वही अटमोस्ट है। जी 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 थैंक यू। अच्छा प्लीज एक मेरी वेबसाइट देख लीजिए, वेबसाइट लगाइए नकवी साहब। जी 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 नकवी साहब जरा वेबसाइट देख लीजिए, काइंडली काइंडली वेबसाइट देख लीजिए। आप लोगों ने मुझे इतना वक्त दिया है, मैं समझ सकती हूँ, मैं आपकी इतनी शुक्रगुजार हूँ। जी जी जी, क्योंकि जब हमारी शादी हुई थी, जब हमारी शादी हुई थी तो यूसुफ बेग मिर्जा ने साहब ने कहा था कि मेरे बच्चों ने मेरे पे शर्त लगाई है कि आप लोगों के कोई बच्चे नहीं होंगे। जी अब आगे शहाब साहब, इफ यू
गो थ्रू दिस जी, किस चीज के, इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट? मियां बीवी होने के तौर पे जैसे बंदा एक खर्चा देता है अपनी बीवी को, वो मुझे 2006 जनवरी तक एक रुपया नहीं मिला जी, मुझे यूसुफ बेग मिर्जा से जनवरी 2006 के बाद एक रुपया नहीं मिला, एक रुपया नहीं मिला जी। नहीं जी, मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया था अप्रैल 2009 में, सॉरी 8 मार्च 2009, ठीक है।